गुड मॉर्निंग बॉयज एंड गर्ल्स, आज हम मैथ्स के बारे में पढ़ेंगे। कहाँ से प्रश्नावली हम चल रहे थे, अब आज हम 5.3 लेंगे। उससे पहले आप सभी को आज शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जिस जिसने भी सुबह सुबह मैसेज की भरमार थी तो सबके रिप्लाई मैं नहीं दे पाया, तो मैं क्लास ख़त्म होने के बाद सबके रिप्लाई दूंगा। आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जो भी नए पुराने जो भी स्टूडेंट है, जिसने भी बधाई प्रेक्षित की है, शुभकामनाएं दी, उन सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जो दिन विद्यार्थियों के लिए बेहद अहम और टीचर्स के लिए बहुत अहम होता था, जिसको हम बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते थे, लेकिन इस बार मतलब बिना स्टूडेंट के वो प्यार नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन बधाइयां, वैसे डिजिटल ज़माना है तो डिजिटल ज़माने के द्वारा व्हाट्सएप थ्रू, फेसबुक थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू हमें आपके संदेश मिलते रहते हैं। तो आप सभी को पुनः मैं शिक्षक दिवस की बधाई देता हूँ, और जल्दी जल्दी ये कोरोना ख़त्म होगा और हम वापस ऑफलाइन क्लास में मिलेंगे, तो सारी खुशी जो है, सहानुभूति है, वो फिर से प्राप्त हो जाएगी। तो चलते हैं हम अपने आगे के टॉपिक की ओर। तो 5.3 के अंदर हमने क्वेश्चंस पढ़े थे, वो पढ़े थे 3 तक। आज हम लेते हैं उसका चौथा क्वेश्चंस। देखो, फोर्थ क्वेश्चंस क्या है। फोर्थ क्वेश्चंस है, निम्न श्रेणियों के पहले 25 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका एनवा पद दिया हुआ है। जिसका क्या दिया हुआ है, एनवा पद। उसके 25 पदों का योगफल हमें ज्ञात करना है, और एनवा पद दिया हो, किसी भी श्रेणी का एनवा पद हम खुद बना सकते हैं। तो इन्होंने एक एनवा पद बनाया है, 25 पदों का हमें योग ज्ञात करना है। 25 पदों का योग, प्रश्नावली कौन सी है, पांचवी, 5.3। तो 25 पदों का योग ज्ञात करना है और हमें एनवा पद दिया हुआ है। देखो, एनवा पद यहां क्या दिया हुआ है, an बराबर 3+4n, 3+4n, ये एनवा पद है। क्या है, एनवा पद। इस क्वेश्चंस का जो एनवा पद है वो हमें ये दिया हुआ है, और हमें कितना, 25 पदों का योगफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, 25 पदों का योगफल, और हमें क्या दिया हुआ है, एनवा पद दिया हुआ है, एनवा पद दिया हुआ है। 25 पदों का क्या ज्ञात करना है, हमें योगफल ज्ञात करना है। तो देखो, 25 पदों, ये एनवा पद है। एनवा पद को जरूरी नहीं है एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी एनवा पद हो, एनवा पद वो उससे बना सकते हैं कोई भी। तो ए एन बराबर 3+4n, ये एक एनवा पद दिया हुआ और कह रहा है कि 25 पदों का योग ज्ञात करो, ये एनवा पद है इस श्रेणी का, प्लस श्रेणी जो बनेगी वो इससे बनेगी। तो देखो, अब सॉल्व करने के अलग अलग तरीके हैं। या तो मैं क्या करूं, पहला पद पता कर लेता हूं और अब 25वां पद बता कर लेता हूं, और फिर शॉर्ट वाले फॉर्मूले में मान रख के मैं इसका आंसर निकाल सकता हूं। या फिर मैं क्या करूंगा, इसका पहला पद ज्ञात कर सकता हूं, दूसरा पद ज्ञात करता हूं, फिर सार्वअंतर निकाल के बड़ा वाला फॉर्मूला योग वाला लगा सकता हूं। तो दोनों फॉर्मूले हम लगा सकते हैं। तो देखो, मैं पहला पद ज्ञात करता हूं, तो बताओ एन बराबर एक रख दू, एन बराबर एक यहां रखूंगा तो क्या आ जाएगा पहला पद, तो बताओ क्या आएगा, ए वन बराबर 3+4 इंटू एन की वैल्यू हमने एक रख दी, तो ए वन बराबर क्या आ जाएगा, 3+4, यानी ए वन बराबर कितना आ जाएगा, 7। तो ये मेरे पास आ गया पहला पद, क्या आ गया, पहला पद इसका आ गया। अब मैं एक 25वां पद ज्ञात कर लेता हूं, तो मैं अब n बराबर कितनी वैल्यू रख देता हूं, 25 रखने पर आपको 25वां पद पता हो जाएगा, तो हम शॉर्ट वाला एसएन वाला फार्मूला लगा सकते हैं। तो बताओ, मैं यहां 25 रखूंगा तो 25 बराबर 3+4 इंटू 25, तो बताओ क्या हो जाएगा, ए 25 बराबर 3+4 का 25 से गुणा किया तो कितने हो गए, 100 हो गए। तो ए 25 बराबर बताओ कितने हो जाएंगे, 103। तो ये आ गया अपने पास 25वां पद, क्या आ गया, 25वां पद। अब हमें देखो, पहला पद पता है और 25वां पद पता है और n की वैल्यू पता है, 25 पदों का योग ज्ञात करना है, तो sn वाला मैं शॉर्ट वाला फार्मूला यहां पर लगा सकता हूं। तो देखो, sn वाला शॉर्ट फार्मूला क्या होगा, sn बराबर n बट्टा 2 कोष्टक a+an। तो ये sn का शॉर्ट फार्मूला हो गया, यानी 25 पदों का योग ज्ञात करना है तो s 25
25 बट्टा 2 कोष्टक ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, 7, और ए एन यानी 25वां पद, 25 पदों का योग ज्ञात करना, तो लास्ट वाला 25वां पद होगा, तो ये 25वां पद कितना है, 103 है, ये 103। तो एस 25 बराबर 25 बट्टा 2, 103 और 7 कितने हो गए, 110, और 110 में 2 का भाग दिया तो कितने आ गए अपने पास, 55। तो एस 25 बराबर 25 का 55 से गुणा, 25 का 5 से गुणा करेंगे तो 125 हासिल के 12 हुए, 25 का 5 से गुणा करेंगे 125 पर 125 और 12 हो गए 137, तो आंसर हमारे पास कितना आ गया, 1375। तो आंसर हमारे पास कितना आ गया, 1375। तो एस 25 यानी 25 पदों का योग जो हमारे पास आ गया वो कितना आ गया है, 1375। आई बात समझ में, तो ध्यान रखना कि कभी हमें एनवा पद बना के दिया जा सकता है कि ये एनवा पद है 3+4n, अगर हम इसमें एक रखेंगे तो हमें पहला पद पता चलेगा, अगर हम यहाँ 2 रखेंगे तो हमें दूसरा पद पता चलेगा, अगर हम यहाँ 25 रखेंगे तो हमें 25वां पद पता चलेगा, लेकिन हमें 25वां पद नहीं ज्ञात करना, हमें 25 पदों का योग ज्ञात करना था, तो हमने पहला पद पता कर लिया फिर 25वां पद पता कर लिया, क्योंकि हमें शॉर्ट फार्मूला पता है कि n बटा 2 कोष्टक a प्लस an, यानी हम an पता करके, a पता करके और n की वैल्यू में पता है, तो हम शॉर्ट फार्मूले से भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। आई बात समझ में, तो ये हो गया हमारे पास चौथे का पहला। अब चौथे का दूसरा आप खुद कर सकते हो, n की वैल्यू रख देना और 25 रख देना और आंसर ज्ञात कर लेना। तो ये चौथा क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं हम इसके आगे वाला क्वेश्चन। चलो अब क्वेश्चन नंबर लेते हैं पांचवा। पांचवा क्वेश्चन क्या, एक समांतर श्रेणी के पहले 51 पदों का योग ज्ञात करना है। एक समांतर श्रेणी के पहले कितने, 51 पदों का योग ज्ञात करना, जिसमें द्वितीय व तृतीय पद क्रमशः 14 तथा 18 है। द्वितीय और तृतीय क्रमशः कितने हैं, 14। दूसरा पद और तीसरा पद क्रमशः 14 18, तो दूसरे पद को मैं बताओ क्या लिख देता हूं, A2 लिख देता हूं, A2 बराबर कितना दिया हुआ है, 14, और क्या कहा है, तीसरा पद कितना है, 18, ये 18। A2 बराबर 14 है, A3 बराबर 18 है और 51 पदों का योग ज्ञात करना है, तो बताओ S 51 लिख दूं, S 51 हमें वैल्यू ज्ञात करनी है, S 51 का मतलब 51 पदों का आपको योग ज्ञात करना है। तो 5.3 का पांचवा सवाल क्या कहा है, दूसरा पद 14 है, तीसरा पद 18 है और 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। कितने पदों का योग ज्ञात कीजिए, 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो फॉर्मूला देखो हमें लगाएंगे, तो देखो अब हमें क्या, पहला पद नहीं पता है, यहां पर क्या नहीं पता है, पहला पद अपन को नहीं पता है, सार अंतर, चलो सार अंतर तो हम निकाल ही सकते हैं, A3 में से A2 घटा के निकाल सकते हैं ना। तो देखो सॉल्व करते हैं इसको, ये सॉल्व, 51 पदों का योग ज्ञात करना है, आई बात समझ में। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले पहला पद पता कर लेते हैं और फिर बड़े वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि डी की वैल्यू हम पता कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, D की वैल्यू दिखा दो, पहले A2 है, A2 का मान मतलब क्या हो जाएगा, A2 बराबर कितना दिया हुआ है, 14 दिया हुआ है, तो बताओ क्या हो जाएगा, A2 को मैं A प्लस डी बराबर 14 लिख सकता हूँ, A प्लस डी, ये इक्वेशन मैंने मान ली फर्स्ट, A प्लस डी बराबर 14, A2 का मतलब क्या होगा, A प्लस डी बराबर 14। अब देखो आपको A3 दिया हुआ है, A3 कितना है, 18 है, तो आप डायरेक्ट से यहाँ डी निकाल सकते हो ना, डी हम कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से, तीसरे पद में से दूसरा पद घटा के निकाल सकते हैं, तो बताओ डी की वैल्यू कैसे निकाल सकता हूँ, डी बराबर A3 माइनस A2, तो बताओ डी की वैल्यू क्या, A3 का मान कितना है, 18 और A2 का मान कितना है, 14, तो बताओ डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। बताओ इस डी का मान मैं इक्वेशन फर्स्ट में रख दूं, तो डी का मान इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर, तो बताओ क्या हो जाएगा, A प्लस डी की वैल्यू कितनी आ गई, 4, तो बराबर कितने हो गए, 14, तो बताओ क्या हो जाएगा, A बराबर 14 माइनस 4, तो A की वैल्यू कितनी आ गई, 10, A की वैल्यू कितनी आ गई, 10। आई बात समझ में, तो A की वैल्यू 10 हो गई और D बराबर 4 हो गया, तो अब हम 51 पदों का योग फार्मूले से कर सकते हैं। तो फार्मूला क्या है, SN बराबर N बटा 2 कोष्टक 2A
प्लस एन माइनस वन इन टू डी। अगर आप चाहो तो शॉर्ट वाला फार्मूला भी लगा सकते हो, लेकिन शॉर्ट वाला फार्मूला लगाने के लिए हमें सबसे पहले 51वां पद ज्ञात करना पड़ेगा, अंतिम वा पद, 51 पदों का योग ज्ञात करना है तो 51वां पद भी हमें ज्ञात करना पड़ेगा, फिर हम इसमें लगा सकते हैं। नहीं तो ऐसे हम क्या करेंगे, डायरेक्टली लगा सकते हैं। तो एस एन, एन की वैल्यू कितनी है 51 हो गई, बताओ यहाँ क्या हो गया 51 बट्टा 2 हो गया, बताओ आगे क्या हो जाएगा 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 10 है, ये 10 होगी, प्लस एन कितना 51, तो 51 माइनस 1 इंटू, बताओ डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू 4 है, तो बताओ क्या हो जाएगा एस 51 बराबर, बताओ 51 में भाग 2 का नहीं जाएगा तो ऐसे के ऐसे रख दो और 2 का 10 से गुणा करेंगे तो 20 हो जाएगा, बताओ 51 में से 1 गया तो पीछे कितने बचे, 50 बचे, 50 का किससे गुणा करना है, 4 से करना है, तो बताओ क्या हो जाएगा आगे एस 51 बराबर, बताओ क्या हो जाएगा 51 बट्टा 2 और ये हो गया कोष्टक 20 प्लस 50 का 4 से गुणा किया तो कितने हो गए 200 हो गए। आगे हम सॉल्व करते हैं, तो आगे सॉल्व करते हैं तो बताओ क्या हो जाएगा एस 51 बराबर 51 बट्टा 2, दोनों को जोड़ देता हूँ 220 हो गए, ये 220 गुणा 2 से 220 को कटे तो 110 हो गए, तो एस 51 बराबर गुणा करते 11 का 1 से गुणा 11 हासिल के लग गए 1, 11 का 5 से 55, 55 और 1 56, तो ये 56 हो गए और ये हो गया 0, यानी 51 पदों का योग कितना आ गया 5610, तो 51 पदों का योग हमारे पास कितना आ गया 5610, तो 51 पदों का योग अपने पास आ गया 5610। आंसर आप जरूरी मैच करें, क्योंकि आंसर हो सकता है बुक्स में अगर गलत दिए हुए हैं तो सही कर सकते हैं अपन, ठीक है, तो एक बार आंसर आपको जरूर चेक करना है इनके। तो ये हो गया अपने पास 51 पदों का योग, तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, ये हो गया 51 पदों का योग, आई बात समझ में, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, चलते हैं हम आगे। चलो अब 5 के बाद चलते हैं हम छठे क्वेश्चन पे। अब हम चलते हैं छठे क्वेश्चन पे, क्या है छठा क्वेश्चन वो भी देख लेते हैं। अब देखो छठा क्वेश्चन क्या है, छठा क्वेश्चन है हमारे पास किसी समांतर श्रेणी का प्रथम व अंतिम पद, क्या कहा है, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम व अंतिम पद, तो बताओ प्रथम पद का मतलब a, a बराबर कितना है 17, और अंतिम पद का मतलब पदों की संख्या नहीं पता है तो an लिख दिया, और अंतिम पद कितना है 350। यदि सार्वंतर 9 हो, सार्वंतर 9 का मतलब d की वैल्यू 9 हो, d की वैल्यू 9 हो तो समांतर श्रेणी में पदों की संख्या कितनी है तथा इनका योग क्या है। तो हमें क्या दो सवाल पूछे, एक तो पूछा है कि समांतर श्रेणी में पदों की संख्या कितनी है, पदों की संख्या का मतलब n की वैल्यू पूछी है, और एक पूछा है कि इनका योग क्या है, तो Sn की वैल्यू पूछी है। देखो दोनों आंसर हमें निकालने, एक n की वैल्यू कैसे है, n की वैल्यू कहां से निकालेंगे, देखो an वाला फॉर्मूला दिया तो an वाले से निकालेंगे, n की वैल्यू कहां से निकालेंगे, an वाले फॉर्मूले से जो हमने आगे पढ़ा है, और बाकी फिर n आने के बाद तो फिर हम शॉर्ट वाले फॉर्मूले से भी हम Sn की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास a आ जाएगा और हमारे पास an आ जाएगा, तो हम n का फॉर्म तो निकाल ही रहे हैं, पहले n निकालने के बाद शॉर्ट वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, बड़ा वाला भी लगा सकते हैं। चलो सॉल्व करते हैं इसको, सॉल्व करने से पहले हम सबसे पहले लगा देंगे शॉर्ट वाला फॉर्मूला, बताओ सबसे पहले हम n की वैल्यू ज्ञात करते, फॉर्मूला कौन सा लगा, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इन टू डी, ये क्यों लगाया मैंने, क्योंकि ए एन मुझे पता है कितना है 350, ये हो गया 350, बताओ ए की वैल्यू कितनी आई है 17, प्लस एन माइनस 1 इन टू डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू है 9, बताओ 17 इधर पक्षांतर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 350 माइनस 17, क्योंकि ये प्लस का इधर आके माइनस हो गया, बराबर में क्या रहा एन माइनस 1 इन टू क्या आ गया 9, बताओ 350 में से 17 गए तो पीछे कितने रहे बताओ 333 रहे, 333 बराबर n माइनस 1 इंटू क्या हो जाएंगे 9, 333 बराबर n माइनस 1 इंटू 9, बताओ 9 से इसको काट दूं, 9 से इसको काटूंगा तो बताओ कितनी बार जाएगा भाग, 9 एकम 9, 9 दुनी 8, 9 तिया 27, 9 चार 36, तो 9 तिया 27
ये तीन, भाई कितनी बार कट जाएगा, ये तीन हो गए, नौ तिया सत्ताईस, सत्ताईस हो गए, पीछे कितने बच गए, छः बच गए ना, सत्ताईस तिरसठ, नौ तो नौ सत्य तिरसठ यानी सैंतीस बार, तो 333 कितनी बार कट गया, 37 बार कट गया, तो बताओ क्या हो जाएगा, n माइनस वन बराबर कितने आ जाएंगे, 37, नौ तिया सत्ताईस तो तीन, पीछे बचे छः, छः का तीन से नौ सत्य तिरसठ, तो n बराबर कितना हुआ बताओ मुझे, एक उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 37 प्लस एक यानी n की वैल्यू अपने पास कितनी आई, 38, यानी एक आंसर तो हमारे पास आ गया, n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 38 आ गई, कितनी आ गई, 38 यानी 38, तो एक आंसर तो हमारे पास आ गया। इसका मतलब ये कौन सा पद है 350, 38वां पद है, कौन सा पद है, 38वां, अंतिम पद है ना, तो इस श्रेणी में पद ही 38 है, तो लास्ट वाला 38वां पद ही हुआ, तो इसका मतलब ये 38वां पद कितना है, 350 है, कितना है, 350। अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें इन 300 इन 38 पदों का क्या ज्ञात करना है, योग, 38 पदों का क्या ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है, तो देखो अब योग ज्ञात करते हैं, बताओ योग ज्ञात करने के लिए शॉर्ट फॉर्मूला लगा सकता हूं, एस एन बराबर एन बट्टा दो कोष्टक हो गया ए प्लस ए एन, क्या हो जाएगा, ए प्लस ए एन, तो बताओ एस एन बराबर ये एस एन की वैल्यू कितनी है, 38, बताओ यहाँ क्या आएगा, 38 बट्टा दो, बताओ ए की वैल्यू कितनी आई है, ए की वैल्यू पहले से दी हुई 17, और ए एन कितना है, ए एन आपको दिया हुआ है 350, ये हो गया 350। बताओ आगे, दो से 38 कट रहे हैं ना, कितनी बार, 19 बार, 19 दूनी 38, तो एस 38 बराबर 19 इंटू 350 और 17 कितने हो गए, 367, और 367 का किससे गुणा करना है, 19 से, तो 19 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 367 का, किससे कर लेते हैं, 367 का, तो मैं 20 से कर देता हूँ, 367 घटा देता हूँ, मैं 20 से ही कर देता हूँ, 20 से करूँगा तो कितने हो जाएंगे, 7 दुनी 14 हासिल का 1, 6 दुनी 12 और 1 13 हासिल का 1, 3 दुनी 6 और 1 7, 7 दुनी 14 हासिल का 4 12 13 3 1 3 दुनी 6 और 1 7, इसमें से 367 हमें माइनस करने, 10 में से 7 गए तो 3, यहाँ 13 में से 6 गए तो कितने हैं, 13 में से 6 तो कितने रहे अपने पास, 7 रहे, और यहाँ रहे 12 में से 3 गए तो 9 रहे, या 6973, 6973 इसका आंसर आएगा, कितना आएगा, 6973, तो करेक्ट आंसर अपने पास कितना आ गया, 6973, या तो मल्टीप्लाई करो 19 से जो भी करो, तो ये आ गया अपने पास 38 पदों का योग, यानी कुल कितने, एस एन ज्ञात करना, तो कुल 38 पद है, तो अंतिमवा पद 38 ही हुआ, तो 38वां पद कौन सा हुआ, 350, तो मैंने शॉर्ट वाला फॉर्मूला, क्योंकि मुझे ये भी पता है, मुझे ए एन भी पता है, एन की वैल्यू तो मैंने निकाली दी है, तो एन की वैल्यू 38 आ गई, और एस 38 बराबर अपने पास आ गया 6973। आई बात समझ में, तो सिंपल सा था क्वेश्चन, चलो तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया हमारे पास सिक्स क्वेश्चन नंबर कंप्लीट। बस आपको समझना है कि कौन सा फार्मूला हमें लगाना है, वो अगर आपने समझ लिया तो क्वेश्चंस बिल्कुल सरल है, दिया हुआ भी है कि एक बार एन ज्ञात करो एक बार एस एन ज्ञात करो, तो एस एन के लिए तो हमें पता ही है कि फार्मूले हमारे पास दो है, और दोनों फार्मूले में से जो आप लगाना चाहते हो वो लगा सकते हो, दो फार्मूले याद रखना, एक में डी होगा और एक में डी नहीं है, बस डी है तो डी से भी निकाल सकते हो, और आप चाहो तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। चलो अब क्वेश्चंस नंबर लेते हैं हम, छः के बाद आते हैं सात, और सातवां क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, सातवां क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, क्या कहा है, एक से हजार के बीच तीन से भाज्य सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, क्या कहा है, एक से हजार के बीच, एक से हजार के बीच, एक से हजार के बीच तीन से भाज्य, किससे, तीन से भाज्य, और तीन से भाज्य कौन सी संख्या, तीन से भाज्य विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग पता करना है, देखो किसका योग पता करना है, विषम संख्याओं का, तीन से भाज्य भी होनी चाहिए, और ओनली फॉर कौन सी, विषम संख्या है, ध्यान रखना,
एक से हजार के बीच उन विषम संख्याओं का हमें योग ज्ञात करना है जिसमें तीन का पूरा पूरा भाग जाए। तीन से भाज्य का मतलब तीन का पूरा पूरा भाग जाए। तो एक से हजार के बीच तीन से भाज्य विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। जो तीन से भाज्य उन विषम संख्याओं का हमें योग ज्ञात करना है। तो बताओ, सबसे पहले मैं पता कर लूंगा, संख्या पता करूंगा मैं कि संख्या कितनी है, वो तो हम पता करेंगे ना। पहले एन की देखो योग ज्ञात करना है, तो एन तो चाहिए, मस्ट है। पहला पद चाहिए, अंतिम पद चाहिए, एन चाहिए या फिर डी की वैल्यू चाहिए, तो ये तो हमें पता ही करना है, एन तो चाहिए हमें। तो बताओ, सबसे पहले तीन से भाज्य विषम संख्या बताओ, सबसे पहले कौन से शुरू होगी? तीन से भाज्य कौन सी है? तीन से भाज्य विषम संख्याओं का योग है। तो विषम संख्या सबसे पहले तीन से भाज्य कहां? तीन से शुरू होगी। कहां से शुरू होगी? तीन से। ये तीन से, फिर बताओ ये विषम है। इसके बाद कौन सी आएगी संख्या? तीन के बाद कौन सी आएगी विषम संख्या? छह में जाता है लेकिन वो तो सम है, और सीधा फिर इसके बाद आ जाएगा नौ, इसका मतलब नौ आ जाएगा। आई बात सुन में? तीन के पारे में आता है, तीन तिया नौ, तो कितने का? छह का गैप आया ना। अब नौ के बाद छह कितने हैं? पंद्रह, जो विषम है, तो ये पंद्रह हो गई। अब डैश 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 सबसे लास्ट वाला पद कहता करता, देखो एक हजार है, एक हजार से पहले, एक हजार से हजार में तो तीन का भाग जाता नहीं, तो हजार से पहले 999 कौन सी संख्या आ जाएगी? 999, ये भी विषम है और तीन से भाज्य है। इसका मतलब पहला पद तीन हो गया और लास्ट वाला पद 999 हो गया हमारे पास। तीन से भाज्य विषम संख्या, ये तीन, तीन के बाद आती है नौ, नौ के बाद आती है पंद्रह, छह छह के गैप में चल रही है, कोई बात नहीं। अंतिम पद 999 हुआ क्योंकि हजार में तो कोई भाग जाता नहीं है, अंतिम पद 999 विषम भी है, तीन से भाज्य भी है। अब देखो, अब आपको पहला पद मिल गया और आपको अंतिम पद मिल गया, लेकिन आपके पास एन की वैल्यू नहीं है। एन की वैल्यू, ये सारे कितने पद है, जब तक ये एन की वैल्यू में पता नहीं चल जाती हम इसका योग ज्ञात नहीं कर सकते। तो देखो, हम सबसे पहले n की वैल्यू निकालेंगे। तो बताओ n की वैल्यू कैसे निकालेंगे? ये हमारे पास पहला पद है, पहला पद कितना है? तीन है। बताओ an कितना है? अंतिम पद कौन सा है? 999 है। बताओ d की वैल्यू कितनी है? तो d की वैल्यू 9 में से 3 गया, तो बताओ d की वैल्यू कितनी आ गई? d की वैल्यू हमारे पास आ गई 6। अब आप बताओ n की वैल्यू पता कर सकते हैं? n की वैल्यू किससे ज्ञात करेंगे? an वाले फार्मूले से। तो देखो an बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। बताओ an कितना है? 999। बताओ a की वैल्यू कितनी है? 3 प्लस एन माइनस वन। बताओ d की वैल्यू कितनी है? d की वैल्यू 6। 3 आ गया इधर, तो बताओ क्या हो जाएगा? 999 माइनस 3 बराबर एन माइनस वन इंटू 6। बताओ 999 में से 3 गए तो कितने रहे? 996 बराबर एन माइनस वन इंटू क्या हो जाएगा? 6। 6 का भाग देना है 996 में, तो दे देते हैं 6 का भाग। बताओ कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा, कितना रहेगा? 3, 3 और 9 39, 6 6 36, ये 36 वापिस कितना रहेगा? 3 रहेगा। वापिस कितनी बार जाएगा? 6 बार, तो 166 और n माइनस वन। तो बताओ n की वैल्यू क्या हो जाएगी? n माइनस वन बराबर 666। तो बताओ n बराबर कितना होगा? 166 के अंदर एक जोड़ना है, तो n बराबर 167, 167। तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 167 आई n की वैल्यू। तो n की वैल्यू हमारे पास 167 आई। तो हमें योग ज्ञात करना है ना। अब तो योग ज्ञात करना है, तो शॉर्ट वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो शॉर्ट वाला देखो, Sn वाला, Sn बराबर n बटा 2, कोष्ठक क्या हो गया? a प्लस an। क्यों? क्योंकि n है ना, तो n, तो 167। अब तो n की वैल्यू कितनी होगी? 167 बटा 2 बराबर a कितना है? a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू 3 है, तो ये 3 हो गई। प्लस an कितना है? an की वैल्यू कितनी है? an की वैल्यू अंतिम पद कितना है? 999 है ना, ये an, ये 999, ये 999, ये 999 कौन सा पद है बताओ? 999 कौन सा पद है? 167 वा पद है, ये सबसे लास्ट वाला पद है, तो 167 है, यानी कुल इसमें 167 संख्या है, तो ये लास्ट वाला पद है 167। चलो तो बताओ क्या हो जाएगा? s 167 बराबर 167 बट्टा 2 और इंटू 199 और 3 कितने होंगे? 1002 हो गए ना, ये 1002,
1002 का इसमें भाग दिया तो कितना, कितने हो जाएंगे 501, कितने हो जाएंगे 501। तो 501 का 167 से गुणा कर लो, तो एस 167 इज इक्वल टू 501 का हम गुणा करेंगे तो बताओ देखो 567 का मैं 501 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो बताओ क्या आ जाएगा आंसर, ये 7, ये 6, ये 1 गुणा 7, 6, अरे भाई 0 0 हो जाएगा यहाँ, 0 0 0 इंटू इंटू 7 5 35 हासिल के 3, 6 5 30 और 3 33, 3 5 और 3 कितने हो गए 8, तो बताओ कितने आ जाएंगे 7 6 6 3 8 83,667, कितने आ जाएंगे 83,667, तो आंसर हो गया 83,667। तो एस 167 का आंसर हमारे पास कितना आ गया 83,667। आंसर एक बार मैच जरूर कर लें, आंसर मैच हमें करने बहुत ज़रूरी है, तो ध्यान रखना कितना आएगा 83,667। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया हमारे पास, क्वेश्चन नंबर हो गया 7वां। आई बात समझ में, तो आंसर कितना आ गया एस 167 पदों का 83,667। तो इस तरीके से हमने, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ध्यान रखना, इस तरीके के क्वेश्चन हमें बहुत बार परीक्षा में पूछ सकते हैं। अब मैं आपको 2 क्वेश्चन इसके जैसे के जैसे डालता हूँ और वो आपको सॉल्व करके मेरे व्हाट्सअप नंबर पे सेंड कर देना, ठीक है, या फिर मैं कल उसका आंसर बताऊंगा कि उसका आंसर कितना आएगा, ठीक है। चलो तो अब मैं 2 क्वेश्चन आपको इसके जैसे के जैसे डालूंगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर हम नेक्स्ट वीडियो कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रहा हूं मैं आपको, लिखो 1 से 1000 के बीच, 1 से 1000 के बीच, 1 से 1000 के बीच 7 से भाज्य संख्याओं का योगफल क्या होगा। ये 1 से 1000 के बीच 7 से भाज्य संख्याओं का योगफल, मैं ना विषम पूछा है ना सम पूछा है, 7 से जो भी भाग जारी है उनका योगफल ज्ञात करना, वो 1 से 1000 के बीच में होनी चाहिए, 1 भी हो सकती है 1000 भी हो सकती है, जा सकता है भाग तो दे देना, 7 से भाज्य संख्याओं का योगफल क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन लिखो, लिखो 2 अंकों की कितनी संख्याएं 6 से भाज्य होगी, 6 से भाज्य होगी तथा उनका योगफल क्या होगा, तो 2 क्वेश्चंस मैंने पूछे इसमें आपको, 2 अंकों की कितनी संख्या 6 से भाज्य होगी, 2 अंकों की देखनी है, कितने अंकों की, 2 अंकों की, कहाँ से शुरू होती है कहाँ पे खत्म होती है, 6 का उसमें भाग जाना चाहिए, सम विषम का नहीं कहा मैंने आपको, 2 अंकों की कितनी संख्या 6 से भाज्य होगी पहले वो पता करना है, मतलब n की वैल्यू, और फिर पता करना है उनका योग क्या होगा, उन सबका योग क्या होगा, ये दोनों पता करने, यानी n भी पता करना और Sn भी पता करना। आई बात समझ में, तो ये 2 क्वेश्चंस आपको आज शिक्षक दिवस पे उपहार है, ये जो जो राइट करेगा वो लड़का एकदम कंटिन्यू पढ़ रहा है। आई बात समझ, एक बार पुनः आप सभी को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं, फीका है आज क्योंकि स्टूडेंट्स नहीं है, बहुत हर्षोल्लास के साथ हम स्कूल के अंदर मनाते हैं, पिछली बार भी मनाया था, लेकिन अब सभी के लिए समस्या है ही ये कोरोना, जब ये जाएगा तो वापस मिलेंगे, नेक्स्ट शिक्षक दिवस बहुत दुगुनी मतलब खुशी के साथ मनाएंगे, तो
ये दो क्वेश्चंस आपके लिए आज, इनके दोनों के आंसर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर मैं कल इनके आंसर आपको बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।